अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयशा फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी मैं अभी भी सो के उठी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, बैक कैंप से दिखाती हूँ। यहाँ पर चाय, यहाँ पर तवा, ये है मेरे पास स्लाइस, और ये रहे दो एग, एक इब्राहिम का है एक मेरा। और मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नाश्ता मेरा हो चुका है रेडी, यहाँ पे अंडा, यहाँ पे चाय। तो मैंने सोचा आज बनाऊँगी मैं बड़े मज़े की चीज़, आप लोग वीडियो फुल वॉच करना, वो भी बनाऊँगी नाश्ता करने के बाद, उसकी रेसिपी भी आप लोगों को पता चल जाएगी। वैसे तो सबको ही आती होगी बनाने, आसान ही है वो, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे मेरा फेवरेट है वो। और मैं बनाऊंगी पास्ता। मैंने कहा बता दूं, हो सकता है आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाएं। आपको बताती हूँ कि मैं आज बनाऊंगी पास्ता मज़ेदार स्पाइसी वाला। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कितने दिनों से कि मैं खाऊं। तो मैंने कहा बाज़ार से नहीं खाना, घर बना के खाते हैं। तो अभी मैंने कहा पहले नाश्ता कर लूँ, फिर पास्ता बनाते हैं, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, अच्छे बेबी और बच्चों की तरह मेरा आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और सब्सक्राइब लाजमी कर। नाश्ता करते हैं। नाश्ता हो चुका है रेडी, ये है मेरे बेटे का, ये ऐसे अंडा खाएगा, ये है मेरा। मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे मज़े का लगता है। चाय भी मेरी रेडी हो गई, और मैं चाय बनाती तो लाइट हूँ, पता नहीं कितनी पत्ती तेज़ हो जाती है इसमें, काली काली सी लगने लग जाती है कैमरे में। रेडी हो गई नाश्ता भी, जिस जिसने करना है आ जाएँ कर लें आप भी। तो देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, नाश्ता झोली में रख के तो मोबाइल के साथ पंगे ले रहा है। उठो ना बीबी, उठो नाश्ता कर लो, उत जो कर लो। ये होता है बच्चों का, नहीं मानते। ये लगाया हुआ है सामने उसने अपना पावर बैंक, जिससे पावर मिलती है इसको, मोबाइल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये ड्रामे कर रहा है, बीबी नाश्ता कर लो, उत जो। बड़ी ड्रामे के पास फिल्म है ये, कालो 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 काओ। और बात मैंने कहा मैं वो कर लूँ, कमेंट पढ़ी थी मैं, किसी ने कहा था हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए अल्लाह पाक बच्चा या बच्ची दे, जो भी दे अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे आप लोगों को। जिस जिसके घर नहीं है अल्लाह पाक मेरे बेटे के जैसे, इब्राहिम के जैसा क्यूट सा बेबी आप सब लोगों को दे। जिस जिसके पास बेबी नहीं है, जिन जिनके पास, जिन जिनकी न्यू शादी हुई है उनको इसके जैसा, जिनकी पहले की शादी हुई है उनको भी, जिस सब के लिए मैं। तो जी एक और बात मैंने करनी थी, मैं कमेंट पढ़ी थी, किसी ने कहा था हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक हमें भी औलाद दे, अल्लाह पाक हमारी झोली भरे। तो आमीन, अल्लाह पाक आप सब लोगों को औलाद दे जिन जिनके पास नहीं है, और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी झोलियाँ भरे, और मेरे बेटे के जैसा क्यूट बेबा बिब्बा सबको दे अल्लाह पाक। अच्छा क्यूट बेबी सबको दे, क्यूटा क्यूटा मिला बेबी अल्लाह पाक। मेरा भी बेटा जो है वो भी, अम्मी मेरी ने मन्नत की हुई थी इसकी, माम हुसैन का फ़कीर है ये, 7 साल के लिए मुहर्रमों में बनता है ये। तो अल्लाह पाक इन मुहर्रमों के सदके आप सब लोगों की झोलियाँ भरे जिन जिनके पास औलाद नहीं है, आमीन। वर्स मैं आ गई हूँ किचन में पास्ता बनाने के लिए, चीज़ी पास्ता बनने लगा है आज मज़े का स्पाइसी, जिसने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, पूरी रात नहीं मैं सोई। वर्स मैं आ चुकी हूँ किचन में स्पाइसी चीज़ी पास्ता बनाने के लिए, जिसने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, मेरे ख्वाबों में आता रहा, मैंने आज पकड़ लिया उसको हकीकत में। आ जाए मेरे साथ देखते हैं। ये रहा सबसे पहले मैक्रोनी, ये रहा चिली सॉस, ये रहा मेरे पास बोनलेस, ये रहा हरा मिर्च, ये नमक, ब्लैक पेपर, लहसुन, सूखी मेथी, 3 अदद टमाटर, ये रही चीज़। और मैं इसको पहले छील के ग्राइंड करूँगी, इसमें इसको छोटा छोटा सा बारीक सा कट कर लेते हैं। तो इसके बाद चाहिए हमें एक छोटा सा प्याज, बस ये लिया मैंने प्याज का चुना मुन्ना सा बच्चा, उसको बारीक बारीक कट कर लिया। ये है लहसुन मेरे पास, ये टमाटर का पेस्ट, छिलका उतार के मैंने पेस्ट बना लिया इसका। तो उसके बाद हम लेते हैं ये है ऑयल, ये हम ऐड करेंगे इसमें। वर्स मैंने इसको कट कर लिया है लहसुन को, प्याज छोटा सा लेके उसको भी कट कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया। ये रहा मेरे पास ऑयल 1/2 कप, ये हम ऐड करेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। ये ऑयल ऐड कर दिया मैंने इसमें, ये देखिए ऑयल इसमें ऐड कर दिया। अभी इसमें ऐड करेंगे हम ये लहसुन, इसमें
इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। रात को मैंने देखा था ख्वाब में, मैंने सोचा इसको हकीकत में बदल दिया जाए, पहले ना ही तो मैंने कभी बनाया। ये फर्स्ट टाइम ये रेसिपी मैं ट्राई करने लगी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये चिकन। चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया। पहले हम करेंगे इसकी बुनाई। बुनाई हो चुकी है, लाइट फ्राइड ये भी हो चुका है। ये इसमें प्याज ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इसकी भी बुनाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम ये ऐड करेंगे, इसमें है हरा मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर और मेथी। ये भी चला गया इसमें। सेपरेट सेपरेट मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कैमरा कोई और पकड़ने वाला नहीं है। अब इसको अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं। अब इसमें जाएगा टमाटर पेस्ट, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस। बस ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसमें डालेंगे हम एक ग्लास पानी। हमारे पास पास्ता जो है वो है एक कप, ये रहा। इसमें हाफ जो है ग्लास पानी का हो जाएगा, ये रहा हाफ ग्लास पानी। ये स्लाइसेस जाएंगे इसमें, ये इसमें ऐड करती हूँ मैं। ऐड कर दिए चीज़ के स्लाइसेस इसमें। इसको बॉयल आ चुका है, बिरयानी भी बहुत तंग कर रहा है मुझे। हाँ ये जा रहा है इसमें पास्ते का ये वाला एक कप। ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे कप के साथ लग एक मिनट, ये रहा ये चले गए। इसको हम करेंगे मिक्स और इसके ऊपर रखेंगे कैप 15 से 20 मिनट के लिए। इसके ऊपर कैप, नीचे से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम उठाएंगे इसकी कैप। ये देखें ये मेरी हो चुकी है रेडी। हम एक स्लाइस डालेंगे और इसके में इसके अंदर चीज़ का और इसको करेंगे मिक्स इस तरह। ये ऐड कर दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, फिर दिखाती हूँ। मैंने जो चीज़ डाली थी वो हो चुकी है मेल्ट और अब इसके ऊपर लगाते हैं चीज़ के स्लाइसिस। देखें जी मैंने इसके ऊपर लगा दी है चीज़। अब इसके ढक्कन को हम करेंगे कवर ऐसे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो है नीचे, इसको 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी अब हम उसकी उठाएंगे फिर से कैप। वाह मज़े का यमी। इसका हम चूल्हा कर देंगे नीचे से बंद। और ये है जी हमारे पास चीज़ी पास्ते की फाइनल लुक, यमी मज़े का। आ चुकी हूँ अंदर, हम खाएंगे मज़े मज़े का पास्ता, चीज़ी पास्ता। तो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।